मक्का की वादी मेरा घर थी, यहीं मेरा एक मकान था। अपने वतन और अपने घर को हर किस्म की गंदगी से पाक रखना मैं अपना फ़र्ज़ समझती थी। मेरे हमसायों में से एक घराने में कुरैश का मौजिस ख़ानदान आबाद था। ये अब्दुल्ला के घर वाले थे। मुझे बेहद शौक़ था कि मेरा घर साफ़ हो, कूड़ा करकट तौबा तौबा कहीं नज़र आ जाए तो मेरा दिल मचल सा जाता और मैं अपनी झाड़ू से पूरे घर को साफ़ कर डालती। जब अंदर से लेकर बाहर आती तो तमाम की तमाम गली भी साफ़ कर देती, कचरा जमा करती और जला देती ताकि दोबारा ना फैले। मेरे हमसायों को मेरी आदत बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन आया जो मेरी ज़िंदगी में अजीब इरताश डाल गया। मैं बाज़ार में थी कि मुझे अपने पड़ोसियों के मुतालिक अजीब खबर सुनने को मिली। दो दुकानदारों की बातों में मुझे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का नाम सुनाई दिया। मैं रुककर उनकी बातें सुनने लगी। वो दोनों कह रहे थे, अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद ने तो कयामत खड़ी कर रखी है। वो लोगों को बुतों की इबादत और बाप दादा की पैरवी से रोकता है, कहता है कि खुदा तो सिर्फ एक है और काबा में रखे तमाम बुत हमारे खुदा नहीं हैं। कहता है कि काबे से बुतों को निकालो और एक खुदा की पैरवी करो। मेरे जिस्म से तो जैसे खून खुश्क हो गया। मेरे मक्का और मेरे दीन को कोई गलत कहता है, और वो भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। वो तो बड़ा नेक आदमी मालूम होता था। मुझे बेहद अफसोस हुआ, मगर गम और गुस्से से मेरा वजूद कांपने लगा और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह मज़ा चखाने की ठान ली। बड़े नेक, अमीन और सादिक कहलाते हैं, हम तो जैसे उनकी बात ही मान लेंगे। और मैं तो उनकी बड़े दिल से इज्जत करती थी। अब मैं ज़रूर मज़ा चखाऊंगी। अब मैंने एक मंसूबा बनाया और अपने घर की तरफ चल दी। जो कचरा मैं रोज़ाना जला देती थी उसे एक टोकरी में जमा करने लगी। उसे जमा करती और ताक में रख देती। जैसे ही वो मेरी खिड़की के नीचे से गुजरते, सारा का सारा कचरा उन पर उंडेल देती। इंतकाम की खुशी से मेरे कह कहे छूट जाते थे। अब रोज़ का ये मामूल बन गया। ये जुल्म करना मेरा मशगला बन गया। सोचती थी, इस तरह तो मैं अपने खुदाओं को भी खुश कर रही हूँ। फिर मेरी आजमाइश का दिन आन पहुँचा। मैं बीमार पड़ गई। बुखार की शिद्दत से उठना मुश्किल हो गया था। ना घर की सफाई कर सकी और ना खाना पकाया। हाय मेरा अकेलापन, कोई पानी पिलाने वाला भी तो न था। बस सारा दिन लेटी रही क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकती थी। इस आलम में भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को बुरा भला कहने लगी कि ज़रूर उन्हीं की बद्दुआ लगी होगी। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो मेरे खुदा ही बहुत हैं। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। रात भी गुजर गई। अगला दिन शुरू हो गया, मगर तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। दोपहर का कुछ वक्त होगा कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। खुदा जाने कौन है, मैंने सोचा, फिर अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो जो भी था आया और कुछ कहा। मुझे अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ करके रह गई। उसकी शक्ल देखने की कोशिश की मगर आँखें ना खोल सकी। दर्द और कमज़ोरी इस कदर थी कि आँखों से सही तरह से नज़र भी नहीं आ रहा था। नीम बेहोशी की कैफियत में थी। थोड़ी देर बाद सोचा कि खुदा जाने कौन था और कहाँ चला गया। अचानक मुझे कुछ पकाने की खुशबू आने लगी और साथ साथ झाड़ू की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने सोचा कि कोई नेक इंसान है या कोई रूह जो मेरी नेकियों के बदले मेरा साथ देने आती है। इन्हीं सोचों में मैं इधर उधर देखने लगी। सर उठाया, लेकिन जब तक सर उठा पाती वो वहाँ से हट चुका था। यकदम मुझे अपने कचरे की टोकरी नज़र आई। उसमें कचरा भरा हुआ था। मैं हैरान रह गई और सोचा कि ये यकीनन कोई मेरा जानने वाला है, इसे मालूम है कि मैं कचरा जमा करके रखती हूँ। अब शाम ढलने लगी। मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर हो गई थी। वो नेक साया मेरे पास आया और बराबर रखी हुई मेज़ पर खाना और पानी रखते हुए जाने की इजाज़त लेकर मुड़ा। मैंने आवाज़ देकर उसे रोका और उसका शुक्रिया अदा किया। कहने लगा कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना तो मेरे रब का हुक्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इस खिदमत का मौका दिया। अल्लाह, मैंने सोचा, अल्लाह क्या होता है? मेरे जहन में बहुत से सवालात थे। मैंने पूछा कि तुम कौन हो अजनबी जिसे मैं नहीं जानती, मगर ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ और ये कि मैं रोज़ कचरा जमा करती हूँ मोहम्मद पर फेंकने के लिए? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं आपके मुतालिक कुछ फ़िक्रमंद था। जब कल सारा दिन कई बार आपकी खिड़की के नीचे से गुजरा,
मगर थोड़ा सा कचरा भी मुझ पर नहीं गिरा तो फिक्र होने लगी कि शायद आप घर पर नहीं हैं, मगर आप बाज़ार के अलावा कहीं नहीं जाती। फिर मुझे यही महसूस हुआ कि शायद आप बीमार हैं, इसीलिए खैरियत दरियाफ्त करने आया था। आपकी तबीयत की ज़्यादा ख़राबी की वजह से सोचा कि कुछ मदद कर जाऊं। मैं कल फिर आऊँगा, आपके सेहतयाब होने तक आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। और मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। और वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करता, दुआएं देता चला गया। मैं उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही। ये वो था, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मेरी अजीब सी कैफियत हो गई, शर्मिंदगी से आँखों से आंसू जारी हो गए। ये वो था जिसकी तकलीफ़ मेरे लिए खुशी का बायस थी, मगर मेरी तकलीफ़ से तो ये फ़िक्रमंद हो गया। मेरी मदद को और कोई ना आया, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैं तो उन्हें तकलीफ़ देती थी, बुरा भला कहती थी, मगर ये तो मुझे दुआएं देते चले गए। अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अल्लाह, तो ये अल्लाह ही इसका खुदा है, वो जो किसी इंसान को इतना नेक और दूसरों के लिए इतना मेहरबान बना दे, वो ख़ुद किस कदर रहमान होगा। वो रहमान असल खुदा है या वो जिनको मैं पूछती हूँ? मैं सही इंसान हूँ या वो जो अभी अभी आया था? मेरी ज़िंदगी उस दिन के बाद मुकम्मल तौर पे बदल गई। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल ने मुझे अल्लाह की इबादत का तरीक़ा सिखाया। मैंने तौबा और मुआफ़ी का तरीक़ा सीखा और अपने करतूतों की अल्लाह से माफ़ी मांगी, इस उम्मीद पर कि नेक और मेहरबान इंसानों का बनाने वाला सबसे बढ़कर रहमान और रहीम मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा।